नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आजकल हर कोई अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कपड़े आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी किस्मत बदलने का भी काम करते हैं। ऐसे में आज हम आपको राशि अनुसार कौन से कपड़े पहने इसके बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कौन सा रंग शुभ होगा और किस रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। दुनिया में सीधे तौर से दो चीजें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, एक जो है आपका खान पान और दूसरा है आपका ड्रेसिंग सेंस, मतलब आपका पहनावा। दरअसल खान पान से व्यक्ति के मन का और पहनावे से जीवन का निर्माण होता है, इसलिए खान पान और पहनावा व्यक्ति के जीवन में अहम जो है वह भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं, इस वीडियोस के माध्यम से जानते हैं कि व्यक्ति को जीवन में किस तरह का पहनावा पहनना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और उसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, उसमें क्या बदलाव करने चाहिए। मेष राशि, इस राशि के लोग बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े पहनते हैं। ये इस बात की परवाह नहीं करते कि इनकी उम्र क्या है और स्थिति क्या है। इन लोगों को हल्के और शालीन रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इस पे इनको ध्यान देना चाहिए, इससे इनका व्यक्तित्व गंभीर होगा और निखार आएगा। वृष राशि, इस राशि के जातक पहनावे और स्टाइल के मामले में सही फैसला नहीं कर पाते हैं। ऐसे कपड़ों का यह चुनाव करते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व छिप जाता है। इन्हें कपड़े चुनते समय चमकदार और खूबसूरत रंगों का चयन करना चाहिए, उसका इस्तेमाल इन्हें करना चाहिए। इसके अलावा इन्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे इनकी उम्र बहुत ज़्यादा न लगे। ऐसा करने से इनके व्यक्तित्व को फायदा होगा और एक अलग निखार देखने को मिलेगा। मिथुन राशि, इस राशि के जातक पहनावे के मामले में बहुत ही सतर्क होते हैं। ये लोग पहनावे और स्टाइल का बेहद ध्यान रखते हैं, पर पहनावे के साथ साथ इन लोगों को स्वभाव का भी ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी इनको ख्याल करना चाहिए। कर्क राशि, इस राशि के लोगों का पहनावा उनके मन पर निर्भर करता है। जैसा उनका मन रहेगा वैसे ही वो कपड़ा पहनेंगे, इनका मन होगा वैसे ही वो वस्त्र पहनेंगे। ऐसे लोग अच्छे मूड में बहुत सही पहनावा रखते हैं, पर यदि इनका मूड खराब हो जाए तो कुछ भी उल्टी सीधा कपड़ा ही पहन लेते हैं। हमेशा अपने पहनावे को सही रखने की आप कोशिश करें, नियमावली के अंतर्गत रहें। ऐसा करने से आपका मूड अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। सिंह राशि, इस राशि के जो जातक हैं वह पहनावे के मामले में कमजोर होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग पहनावे और स्टाइल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इनका ध्यान पहनावे पे तभी जाता है जब इन्हें कोई दूसरा व्यक्ति बार बार टोकता है, इनको बताता है कि आप अपने कपड़े ठीक कर लीजिए। हमेशा साफ सुथरे और सही पहनावे का चुनाव करें, ऐसा करने से इस राशि के लोगों का प्रभाव बढ़ेगा और जीवन का संघर्ष कम होगा। कन्या राशि, इस राशि के लोगों के पास हमेशा बेहतरीन और महंगे से महंगे कपड़े होते हैं, पर ये लोग पहनावे पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। पहनावे पर ध्यान देने से रिश्ते और मन दोनों अच्छे बने रहेंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा। तुला राशि वाले जो जातक होते हैं वह पहनावे और स्टाइल के मामले में ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर राशि भी यही है पहनावे के मामले में। इस राशि के लोग हमेशा सही और उत्तम पहनावा रखते हैं और दूसरों को अपनी प्रेजेंटेशन से प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के पहनावे पर धन बर्बाद करने से इनको थोड़ा बचना चाहिए।
वृश्चिक राशि। इस राशि के जो लोग हैं पहनावे के मामले में अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़े लापरवाह होते हैं। कितने भी कपड़े आ जाए लेकिन ये स्कैटर्ड मोड में रहते हैं। कभी इनका पहनावा बहुत अच्छा होता है तो कभी खराब भी हो सकता है। ऐसे लोगों को हर समय अपने पहनावे को लेकर सावधानी रखनी चाहिए, इन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए। धनु राशि, इस राशि के लोग पहनावे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इनके पहनावे को देखकर इनकी स्थिति का कभी पता नहीं लगाया जा सकता। इन लोगों को देखकर आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कोई बड़े लोग हैं या ये कोई बड़े अधिकारी हैं या राजनेता हैं या फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को विशेष कार्यों और विशेष दिन पर अपने पहनावे का ध्यान रखना बेहतर परिणाम दे सकता है, उन्हें बेहतरी दिला सकता है। मकर राशि, ऐसा माना जाता है कि इस राशि के जो लोग होते हैं युवा अवस्था में अपने पहनावे पर ध्यान नहीं देते हैं, पर जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता है इनका पहनावा या इनके कपड़े के प्रति इनका आकर्षण बढ़ता है और इनका पहनावा और अच्छा होता जाता है। ऐसे लोगों को अपनी उम्र के अनुसार पहनावा रखना चाहिए। ऐसा करने से उनका व्यक्तित्व और अच्छा होगा और इसमें इजाफा होगा। कुंभ राशि, इस राशि के लोगों का पहनावा या तो बहुत ही अच्छा होता है या बहुत ही खराब होता है। इन लोगों को एक ही रंग का कपड़ा जो है, इन लोगों को एक ही रंग पर टिक कर नहीं रहना चाहिए। अगर ये लोग रंगों पर थोड़ा ध्यान देकर कपड़े पहने तब इनका उम्र भी कम लगेगा और अच्छे भी लगेंगे, तब इनका पहनावा अच्छा हो जाता है, इससे इनका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। अंतिम राशि मीन राशि, इस राशि के लोगों का पहनावा काफी गंभीर होता है। ये लोग अपने पहनावे में कुछ खास रंग और स्टाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का अपने पहनावा में थोड़े रंग और स्टाइल जोड़ने से व्यक्तित्व भी अच्छा होगा और दूसरे पर भी इनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इनका अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। आप सब यहीं बने रहें, इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, परिजनों पर को सुरक्षित रखें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल रहा है। अगर आप किसी और बिंदु पे किसी और विषय पे वीडियोस जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आकर आप लिखें, आप लोगों को वह वीडियोस जो है हम लोग तैयार करके आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे। आप सब जो ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। ये तो जाना आपने कि राशि अनुसार वस्त्रों को धारण करना कैसे आपको शुभ फल दे सकता है, लेकिन अपने किसी भी कार्य को सफल बनाना हो तो कपड़ों के साथ साथ अगर आप अपने माथे पर तिलक करेंगे तो आपके हर रुके कार्य सफल होंगे। तो हुआ ना ये सोने पर सुहागा। लेकिन कैसे आपको राशि और ग्रहों के अनुसार तिलक करना चाहिए, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। नमस्कार, राशि के हिसाब से तिलक लगाने से राशि का स्वामी ग्रह प्रबल होता है और व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे व्यक्ति के शरीर में बहुत तेजी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वो पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी भी काम को करता है। जब भी आप पूजा पाठ के दौरान माथे पर तिलक लगाते होंगे तो आपको अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता होगा। दरअसल धार्मिक दृष्टि से माथे के बीच का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस जगह पर आज्ञा चक्र होता है जिसे ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तिलक लगाने से ये चक्र उद्दीप्त होता है जिसकी वजह से व्यक्ति का मन शांत और एकाग्र होता है। इसके अलावा मस्तक के बीच के स्थान को त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यही स्थान शरीर की तीन नाड़ियों के मिलन का भी केंद्र होता है। माथे पर तिलक लगाने से व्यक्ति में तेज की वृद्धि होती है और वो स्वयं को ऊर्जावान महसूस करता है। धार्मिक रूप से हम सब रोली, हल्दी, चंदन, भस्म, कुमकुम
आदि का तिलक लगाते हैं। लेकिन ज्योतिष विशेषज्ञों का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर तिलक अपनी राशि के अनुसार लगाया जाए तो ये कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। इसे लगाने से राशि का स्वामी ग्रह प्रबल होता है और व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे व्यक्ति के शरीर में बहुत तेजी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वो पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी भी काम को करता है। इससे उसकी दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की के योग का निर्माण होता है। यहाँ जानिए राशि के अनुसार से हम बताएंगे आपको राशि के हिसाब से कौन सा तिलक लगाना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों को खासकर लाल रंग का कुमकुम या रोली का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल होता है। मंगल का रंग लाल होता है, इसलिए लाल आपके लिए बेहतरी होगा। वृषभ राशि वाले के जातक, ये शुक्र के स्वामित्व वाली राशि है। ऐसे लोगों को मस्तक पर सफेद चंदन लगाना चाहिए। अगर सफेद चंदन ना हो तो दही से मस्तक पर तिलक लगा सकते हैं। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, इन्हें अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। अष्टगंध 8 गंध द्रव्यों का संग्रह होता है। ये दो तरह का होता है, शैव और वैष्णव। गृहस्थ लोगों को शैव अष्टगंध का प्रयोग करना चाहिए। कर्क राशि वाले के लिए, इस राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा का रंग सफेद होता है, ऐसे लोगों को सफेद रंग का चंदन जो है वह ललाट पे अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। सिंह राशि के जो जातक हैं, उन लोगों के खासकर सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, ऐसे लोगों को लाल रंग के कुमकुम या रोली का तिलक लगाना चाहिए। कन्या राशि के जातक हैं जो हैं, इस राशि के स्वामी भी बुध हैं, ऐसे लोगों को भी अष्टगंध का तिलक लगाने से काफी लाभ होता है। तुला राशि, शुक्र ग्रह तुला राशि का स्वामी होता है। इस राशि के जातक को भी सफेद चंदन या दही का तिलक लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि, मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली इस राशि के जातकों को लाल रंग का तिलक मस्तक पर लगाना चाहिए। निश्चित रूप से इन्हें लाभ मिलता है। धनु लग्न के जो है स्वामी वो देव गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे लोगों को पीला चंदन या हल्दी को मस्तक पर लगाना चाहिए। अगर केसर के साथ लगाते हैं तो सोने पे सुहागा। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इन लोगों को काली भस्म या काला काजल मस्तक पर लगाना चाहिए। कुंभ राशि, इस राशि के लोगों को भी काली भस्म या काजल ही माथे पे लगाना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव महाराज ही हैं। मीन राशि, ये राशि बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि है, ऐसे लोगों को पीला चंदन, केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, उन्हें लाभ मिलेगा। आप राशि के अनुसार अगर चंदन लगाते हैं तो आप अलग ढंग से सकारात्मक ऊर्जा का एहसास करेंगे और आपकी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। आप सब यूं ही जुड़े रहें, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।